वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज असि गल करन लगे हैं जी, जिहड़े प्याज हुंदे हैं उन्हां दा छिलका किवें उतारना है। मैनू जी बड़ा दुख हुंदा जी, मैं नॉर्मल घरां दी किचन दे विच देखदा, अपने मैं दोस्तां यारां दे घरे देखदा जी, प्याज दा छिलका उतारदे उतारदे ना 30-40% प्याज वेस्ट कर दिंदे हैं। प्याज कितना महंगा इंग्रीडियंट है जी, कई बार तुसीं क्राइसिस च देखिया होगा किलो किलो प्याज 50-60 रुपए किलो, कई कई बार तो 100-125 रुपए किलो भी मैं अपने प्याज लैके आया रेस्टोरेंट के विच। इन्नी एक्सपेंसिव इंग्रीडियंट जो आप वेस्ट करिए, यह कितों की गलबात है, नहीं अच्छी गल ना। तो थोड़ी वेस्टेज, आपकी वेस्टेज को कम करने के लिए बहुत बढ़िया एक मैथड, एक तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जी, तो ये मैथड देख लो, आपकी वेस्टेज बहुत कम हो जाएगी। तो जब भी हम कुकिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे मेन इंग्रीडियंट, सबसे पहला इंग्रीडियंट जो आता है वो है जी प्याज। अनियन को हमने हर बार यूज करना ही होता है, कुछ ना कुछ हम इसके निकालते रहते हैं तरीके की, अनियन को कैसे यूज करें, क्या क्या इसके कट्स हो सकते हैं, कौन सी ग्रेवीज बनाएं, क्या करें, सौते करें, फ्राई करें, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार पेस्ट बना देते हैं हम इस प्यारे से अनियन का। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे आती है ना लोगों को कुकिंग करते देख के, तो मुझे लगता है कि यार काश मैं ये चीज बता पाता। ये अनियन ना बड़ा ही प्यारा इंग्रीडियंट है और इसको हम वेस्टेज बहुत करते हैं जी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी लेयरिंग होती है, तो हर एक लेयर में कुछ ना कुछ हम वेस्टेज निकाल देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वेस्टेज सबसे कम निकले। तो आपको मैं जो पीलिंग का मेथड बताने लगा हूं, आज हम प्याज पील करेंगे जी। आज की जो सेगमेंट है हमारी सिर्फ प्याज ही पील करने, मैं प्याज के में पील करते हैं दसन लगे। तो जो प्याज पील करने हैं ना जी, सब तो मेन चीज जेड़ी हैगी है वो मैं सब तो पहले थोड़ा दसन लगे। प्याज नु तुसी होल्ड करो, नाइफ नु इस तरह होल्ड करो, हाँ नाइफ की ग्रिप भी दसदा थोनू, नाइफ नु इस तरह होल्ड करना है, ये पिंच करते होंगे, इसन पिंच करके प्याज नु होल्ड करके बिल्कुल पतला जहा, ये जो टेल वाला पार्ट है ना, इनू आपां ट्रिम करना है इस तरीके। कोशिश ये करनी है कि जिहड़ी शेप है ये बिल्कुल बराबर आवे, देख रहे हो सिद्धी जी शेप आई है, तो ये शेप आनी चाहिए हर बार, ठीक है जी। तो जो तुसी इस तरह की शेप लेके आओगे, फिर उस तो बाद तुसी प्याज नू कर दो जी पुट्ठा। हुण की करना है जी, बिल्कुल विचकारों 1/2, आ देखो जी करता जी 1/2। हुण तुसी 5 प्याज कटने हैं, 10 प्याज कटने हैं, तुसी सारे इस तरह 1/2 कर लो पहली चीज। फिर आपां की करना है, आ देखो जी एक जिहड़ा छिलका है, आ देखो जी किन्ने प्यार नाल निकलिया, कोई वेस्टेज नहीं कुछ नहीं। आ जिहड़ी रूट हैगी है, ये जिहड़ी रूट है इहनू हल्का जिहा आपां इत्थों आ करना, बस जिहड़ा प्याज दा वेस्टेज है वो ये होना चाहिए टैक्नीकली। पर आपां देखो जी, तुसीं भी अपने घरे करदे होंगे, तुसीं किन्ना कुछ वेस्ट करदे होंगे, करदे हो कि नहीं करदे, ते मेरे तो ये चीज़ सीख लो कि प्याज आपां इस तरह पील करांगे। हुण मैं एक बार प्याज पील कर लेना, तो फिर अगली वीडियो तुम दसांगे कि प्याज का करना की है अगे। तो देखा ना कितना इंटरेस्टिंग मेथड था जी, बिल्कुल मिनिमल सी वेस्टेज और आपके ओवरऑल प्याज की जो ईल्ड है, ईल्ड होता है कि उसका मैक्सिमम आउटपुट वो निकल के आएगा, थोड़ा सा वेस्टेज होगा जी। तो इसी तरीके की सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और ईल्ड बढ़ेगी। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आ रहा है जी, अगर आपको ये सब चीजें देख के अच्छा लग रहा है, हमें सपोर्ट जरूर करो जी। लाइक बटन पे बहुत ज्यादा लाइक दबाओ, शेयर बटन पे शेयर करो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि सबकी वेस्टेज को, उनके पैसों को हम बचा सके जी। वेस्टेज कम करनी है, पैसे बचाने हैं, यही फंडा है ना जी जीवन का। उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें जी, हमें सपोर्ट करो जी, सानू सपोर्ट करो। तो इस तरीके दियां बहुत सारी वीडियोस जिहड़ियां मैं थोड़े लिए लेके आऊंगा, थानू इसे तरह एजुकेट ते एंटरटेन करी जाऊंगा जी। सत श्री अकाल। इस हफ्ते असीं गल कर रहे हैं जी इम्यूनिटी बिल्डिंग, जिहड़ी शाइन देख रहे हो ना तुसीं, ये ट्रिक है जी इस व्हाइट सॉस बनाने की। पास्ता बनाना तो बहुत इजी कर रखा मेरे, लाजवाब स्वाद आ गया। स्वाद आ गया। सोमवार तो शुक्रवार दोपहर 12 बजे जी 5 ऐप हुणे डाउनलोड करो।